यस बेटा, देखो जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारे बॉडी में जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं एनर्जी बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो जो हमारी बॉडी में मेनली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं टिश्यू या सेल, उसे हम कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं उसे हम? ब्लड। जो हमारा ब्लड है, ब्लड इज रेड इन कलर। अब जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, इसके कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। जो हमारा ब्लड है इसकी कॉम्पोजिशन चार चीजें हैं, मतलब चार चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सी चार चीजें हैं वो? ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है ना, लिक्विड मीडियम। फिर RBCs, RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स। सेल्स को कॉर्पसल्स भी कहते हैं, कीप इन माइंड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के ना सोल्जर सेल है, मतलब ये इन्फेक्शन से बचाते हैं। WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट्स। तो जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन चार चीजों की है, प्लाज्मा, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये चीजें हैं। तो जरा इसको आप देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो हमने ये सारी चीजें सीख ली हैं, कॉम्पोजिशन क्या क्या चीजें हैं। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट, ये हम पढ़ने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं और देखते हैं और इसमें क्या चीजें हैं। देखो जी, अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक मीडियम है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है ना, लिक्विड मीडियम जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। और ये प्लाज्मा है क्या, इसको पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ कलरलेस, याद रखना जो प्लाज्मा है ये कलरलेस होता है, लिक्विड विच कंटेन मेनली वाटर विद मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर। कीप इन माइंड कि प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी है? 90%। प्लाज्मा आल्सो कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। यूरिया जो होता है हमारा यूरिन से रिलेटेड है, हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है ना वो यूरिया का ही फॉर्म होता है। एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल्स जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए। प्लाज्मा कैरी ऑल दीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द बॉडी। RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड प्लाज्मा। तो ये था हमारा रिलेटेड टू प्लाज्मा। तो अगर हम यहाँ से मोटा मोटा रिजल्ट निकालें तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा एक लिक्विड मीडियम है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, और प्लाज्मा के अंदर ही RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये प्लेटलेट्स क्या है, जरा इसको समझो आप, जरा ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। अब जैसे ये है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? देखो मान लो कभी हमें चोट लग जाती है, मान लो कट लग गया या कोई बाउंड हो गया, बाउंड मतलब चोट लगना। तो जब भी चोट लगती है हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग को रोकना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कट लगता है या कोई चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है ना, तो कहते हैं कि उस जगह को ना थोड़ी देर पकड़ के रख लो। पकड़ने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्लेटलेट्स होते हैं। ये प्लेटलेट्स कट वाली जगह पे डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट होने के बाद हमारी ब्लीडिंग को वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई प्लेटलेट्स का रोल क्या है, तो प्लेटलेट्स
सील द पॉइंट ऑफ इंजरी एंड स्टॉप ब्लीडिंग, यानी मोटा मोटा अगर हम बोले प्लेटलेट्स स्टॉप द ब्लीडिंग एट द पॉइंट ऑफ कट और वाउंड. तो इसको आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए एंड इफ देयर इज अ डाउट आस्क. हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो आप देखो यहाँ पे मैंने टोटल 7 फंक्शंस दिए हैं ब्लड के, जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. तो हम इन फंक्शंस को नोट करते हैं और समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं. सो देखो, सबसे पहला फंक्शन, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. ये तो हमें पता है कि ब्लड का काम ऑक्सीजन लेके जाना है, CO2 बाहर निकालना है. तीसरा फंक्शन, ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट. ये भी हमने पढ़ा कि जब डाइजेशन हो जाती है तो विलाई की हेल्प से डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला जाता है, तो इसका भी यही रोल है. फिर ब्लड कैरी हॉर्मोन, हॉर्मोन्स ना केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो ये हॉर्मोन भी कैरी करता है. ब्लड ऑल्सो कैरी वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिया मतलब हमारा यूरिन जो है ना, हमारा यूरिन जो बनता है वो यूरिया की फॉर्म में होता है और वो किडनी से निकलता है, तो यूरिया को भी एक्सक्रीट करता है. यूरिया का मतलब होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट. ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, बिल्कुल, कि ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, RBCs हैं, WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, और भी कई केमिकल्स हैं जो डिजीज वगैरह से बचाते हैं. ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ना तो बढ़ने देता है ये, ना कम होने देता है, ये मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस. सो ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस. जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना, वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में याद है कितना है, जो थर्मामीटर में होता है, बताओ कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट कहते हैं. तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए या आप 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिए, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. चलो अब आप एक बार ये सारे फंक्शन पढ़ लो, आई एम गिविंग यू टाइम. लो बेटा सुनो, ध्यान से सुनो. जो हमारा ब्लड है, ब्लड को हमारी बॉडी में मूव करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ब्लड वेसल्स मतलब कुछ पाइप्स की, और एक मशीन की जो पंप करेगी. तो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, हार्ट को हम कहते हैं पंपिंग मशीन. तो हार्ट जो है वो हमारा ब्लड को फ्लो करवाता रहता है. अब जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, तीन तरह की ब्लड वेसल्स हैं. क्या नाम है इन ब्लड वेसल्स के, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज. आर्टरीज का क्या काम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जाना, ना टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाना. ठीक है, बॉडी पार्ट्स मैं यहाँ पे बस बता देता हूँ, याद रखो, बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना. आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड, O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाना. और वेन्स का काम है CO2 वाला ब्लड, यानी CO2 वाला ब्लड उसको बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाना और बॉडी से उसको आउट करवा देना. तो देखो फंक्शन देखो, यानी आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना और वेन्स का काम है डी ऑक्सीजनेटेड. जब ऑक्सीजन ना हो ना ब्लड के अंदर तो उसे कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ना हो, CO2 आ जाए, तो इट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ब्लड कैपिलरीज में तो दोनों चीजें ही जाती हैं. जरा समझो कैसे, जैसे मान लो ये हार्ट है, ठीक है, जरा मैं समझा रहा हूँ समझना. ये हार्ट है और ये ब्लड वेसल चली, ये ब्लड वेसल चली हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है. तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जो भी ब्लड वेसल्स आती हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, आर्टरीज. और बॉडी पार्ट्स से वापस जो लेके जाती है ना, इस तरह से आप समझ जाओ. तो मोटा मोटा आपको समझाते हैं, जरा समझो. देखो जैसे मान लीजिए ये है आपकी एक ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल जब बॉडी पार्ट्स में आती है ना, तो ये फर्दर टूट जाती है, ऐसे 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 फर्दर टूट जाती है. तो ये मान लो आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल.
और जब ये फर्दर टूट जाती हैं तो इसे कहते हैं कैपिलरीज, क्या कहते हैं कैपिलरीज, और फिर ये कैपिलरीज दोबारा कंबाइन होती हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू वेन में चली जाती है। ये हो गई आपकी, ये भी हो गई ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। अब जरा ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। मैंने क्या समझाया कि ये आपका ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएगा इसे हम कहते हैं आर्टरीज, यानी ये आर्टरीज हो गई। आर्टरीज आगे जाएंगी, ये हमारा बॉडी पार्ट है। क्या है ये? हमारा बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में जो हमारी आर्टरीज है ना, ये फर्दर टूट टूट के ब्रांच, पतली 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 ब्रांच बन जाती है, तो इनको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज सारी कंबाइन हो जाएंगी यहाँ पे, ये सारी कैपिलरीज कंबाइन हो जाएंगी और ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। अब ब्लड वेसल जो आगे जाएगी इसके बाद, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी नो ऑक्सीजन इन ब्लड, नो ऑक्सीजन इन ब्लड। तो अब ये जो ब्लड वेसल है, ये जो ये वाली अब आपको दिख रही है ब्लड वेसल, इसे हम बोलेंगे वेन्स। क्या बोलेंगे इस ब्लड वेसल को? वेन्स बोलेंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कलर कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। देखो ये आया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको रिलीज कर देते हैं यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस लो समझो, ये आया ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड आर्टरीज। उसके बाद आर्टरीज छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती हैं, इन छोटी छोटी ब्रांचेस को कहते हैं कैपिलरीज। फिर ये छोटी छोटी ब्रांचेस दोबारा जुड़ती हैं और फिर से एक ब्लड वेसल बनाती हैं जिसे हम कहते हैं वेन। तो वेन कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो ऑक्सीजन इन ब्लड कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन इन ब्लड कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो हमारी आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारी वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज में दोनों होता है, और ये बीच में बॉडी पार्ट्स है। ये वेन्स जो है, ये कैपिलरीज जो है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स में होते हैं। चलो अब आप इसे ड्रॉ कर लो एंड आस्क मी डाउट। चलो एक बार अब मैं सम अप करता हूँ, जरा आप ध्यान से सुनना। हाँ जी, अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ब्लड हमारी बॉडी में कैसे फ्लो करता है, तो आप बोलो दो चीजों की हेल्प से, ब्लड वेसल और हार्ट। हार्ट को हम पंपिंग मशीन कहते हैं, अगर हार्ट काम ना करे तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा और पर्सन मर जाएगा। अच्छा, ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप होती हैं कोई पूछे, तो आप बोलिए तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आपसे लोग पूछ सकते हैं कि आर्टरीज का बताओ फंक्शन, तो आप बोलो आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और आर्टरीज की वॉल थिक होती है, ये याद रखना, आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर में होता है। अच्छा नंबर टू वेन्स, वेन्स का कोई पूछे तो आप बोलिए कि वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टूवर्ड्स हार्ट, ऐसे बोल दो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टूवर्ड्स हार्ट। अच्छा अब कोई पूछे कैपिलरी का फंक्शन बताओ, तो बताओ जी कैपिलरीज में दोनों होते हैं, आर्टरीज भी होते हैं वेन भी होते हैं, तो इसका दोनों ही फंक्शन है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड भी कैरी करता है और ये डीऑक्सीजनेटेड भी कैरी करता है, और ये बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच होता है। जो हमारा ब्लड कैपिलरीज हैं ये हमारे हर सेल में होती हैं और इनका काम होता है दोनों तरह के ब्लड को कैरी करवाना। तो हमें यहाँ से मोटा मोटा ये पता चला कि आर्टरीज हमारे बॉडी में जाती हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, और फिर कैपिलरीज कंबाइन होके वेन्स बनाती हैं, यानी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज दोनों कैरी करती हैं। तो हमें ये मोटी मोटी सी चीज यहाँ पे पता चल गई। अब मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो अब मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ हार्ट के बारे में, अब जरा आप समझना जरा ध्यान से मैं जो भी बताने जा रहा हूँ रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। देखो जनरल अबाउट ह्यूमन हार्ट, बेटा मेरे पढ़ाने के बाद बुक जरूर पढ़ना। तो मैं एक ना नॉर्मल लाइन डायग्राम बता के बताना चाहता हूँ। देखो जो हमारा हार्ट है, अगर हम उसके पार्ट्स बनाएं तो हमारे हार्ट के फोर पार्ट्स बनेंगे।
और पार्ट्स को हम कहते हैं चैम्बर। देखो ये मान लो अगर ये हार्ट है और मैं इस तरह से इसके अगर पार्ट्स बनाऊं तो इस तरह से फोर पार्ट बनेंगे। ऊपर वाले दो पार्ट छोटे होते हैं, नीचे वाले दो पार्ट बड़े होते हैं। तो जो हमारा हार्ट है ना, मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। हमारे हार्ट में फोर पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स को हम कहते हैं फोर चैम्बर्स। क्या कहते हैं? फोर चैम्बर्स। अब इन चैम्बर्स के क्या नाम है, देखो अपना है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार पार्ट है, याद रखना। तो नंबर टू, आर का मतलब यहाँ पे राइट, एल का मतलब लेफ्ट, ए का मतलब एट्रियम, बी का मतलब वेंट्रिकल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर ए का मतलब है हमारा राइट एट्रियम। पार्ट्स याद करते जाना। तो इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल और आर वी, तो आर वी है हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे नाम नहीं लिखे, अब आपको अंडरस्टूड है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसके चार पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हम कहते हैं चैम्बर। ऊपर वाले दो पार्ट को हम कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले दो पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल। आर का मतलब राइट और एल का मतलब और वेंट्रिकल को आप जरा ध्यान रखें अच्छे से। अब देखो जो हमारा राइट और जो ये लेफ्ट पार्ट है ना, ये राइट और लेफ्ट पार्ट, तो हमारे हार्ट के राइट और लेफ्ट पार्ट के बीच में एक वॉल आती है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ। इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं इस वॉल को? सेप्टम। तो मैं ना अभी जनरल सा बता रहा हूँ हार्ट के बारे में। क्या बताया मैंने कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसके फोर पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को चैम्बर कहते हैं। इन पार्ट्स के क्या नाम है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट के बीच में एक वॉल आती है, इस वॉल का नाम है सेप्टम। इसका क्या काम है? इसका काम है कि ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकता है। डू नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, डू नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सेप्टम एंड व्हाट इज इट्स रोल, तो आप बताइए सेप्टम इज अ वॉल विच सेपरेट राइट पार्ट ऑफ हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट एंड इट डू नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब एक चीज और, हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इस तरह से मैं क्लियर बना देता हूँ, देखते जाओ ध्यान से। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। मैं यहां से पहले लिख रहा हूँ पेरिकार्डियम, है ना। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट। चलो अब एक बार हम रिकॉल करते हैं सारा जो जनरल जनरल बताया मैंने। जनरल मैंने क्या बताया? जो ह्यूमन हार्ट है उसके चार पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट दो छोटे होते हैं, लोअर पार्ट बड़े होते हैं। इन पार्ट्स को हम चैम्बर कहते हैं। इनके क्या क्या नाम है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को एक वॉल डिवाइड करती है। इस वॉल का नाम है सेप्टम। क्या रोल है इसका? ये इधर का ब्लड इधर नहीं जाने देगी और इधर का ब्लड इधर नहीं जाने देगी, मतलब राइट और लेफ्ट के ब्लड को मिक्स नहीं होने देगी आपस में। ठीक है, और इसमें एक दो और एडिशनल चीजें बताता हूँ। देखो जो हमारा ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, तो लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखना। जो हमारा ये लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है ना, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो हमारा ये राइट पार्ट ऑफ हार्ट है इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सेप्टम का यही काम है कि ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता। नेम द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हार्ट, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है पेरिकार्डियम। चलो इसे नोट कर लो। ओके बेटा तो आप लोगों को मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में जनरल बता दिया। अब मैं इसकी एक्चुअल डायग्राम दिखाऊंगा और आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए।
तो ये रही एक्चुअल डायग्राम जिसको आपने प्रैक्टिस करना है और मैं वीडियो भेजूंगा तो वहां से तो कर ही लोगे। अब देखो एक्चुअल में ये है हमारा हार्ट, ऊपर वाले देखो दो चैम्बर छोटे दिख रहे हैं ना, ये ऊपर वाले दो चैम्बर छोटे हैं और पतले हैं, नीचे वाले दो चैम्बर देखो मोटे और लंबे हैं, नीचे वाले दो चैम्बर मोटे और लंबे हैं। तो ये एक एक्चुअल डायग्राम है, अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट तो ये नहीं बनाना, ये तो जनरल बताया सिर्फ समझाने के लिए, जैसे समझाते हैं ना बच्चों को, तो ये उसके बेस पे समझाया है समझाने के लिए। एक्चुअल डायग्राम ये है और ये सारे पार्ट्स हैं। अब देखो पार्ट्स देखो ध्यान से, तो मैं अगली क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा, अभी सिर्फ इस डायग्राम को फोकस कर लेते हैं। देखो ये ऊपर वाला चैम्बर दोनों दोनों एट्रियम और ये नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल, और जो ये बीच में मोटी सी वॉल आ रही है इस वॉल का क्या नाम है, सेप्टम, है ना। अब सेप्टम का रोल पता चल गया आपको। अब देखो क्या होता है, जो ये है हमारा अपना लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल में चला जाता है और यहाँ से इसके थ्रू ये बाहर निकल गया एरोस देखो। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका, ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट अपना राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर इसके थ्रू ऐसे जाता है। तो आप देखो दो बार ब्लड आता है, दो बार बाहर जाता है, तो दो बार वो कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इस दो बार को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो बस आप इस डायग्राम को देख लीजिए, है ना, ये देखो पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर, ये आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है, ये आपका पूरा राइट पार्ट ऑफ हार्ट है। तो जस्ट सी दिस डायग्राम एंड ड्रॉ इन योर कॉपी, अगली क्लास पे हम इसकी फंक्शनिंग समझेंगे, तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही करेंगे, जस्ट सी दिस डायग्राम।